निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें हर गोविंद नगर में अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की गई है। 3 मंजिला अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। 3 पोकलेन की मदद से, आपको बता दें 3 पोकलेन मशीन की मदद से यहां पर अतिक्रमण को तोड़ा गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौजूद। कई अवैध हॉस्टल प्रबंधकों को नोटिस भी भेजा गया है, थमाया गया है नोटिस और जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दें इससे पहले वबरकुआ में कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर से अब प्रशासन यहां पर एक्शन में आया। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पहले भी कई बार नोटिस दिए गए, उसके बाद भी लोगों ने प्रशासन की एक न सुनी, जिसके बाद अब प्रशासन एक्शन में आया और यहां पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। इंदौर में एक्शन में नगर निगम, तो नगर निगम की ओर से यह कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात है। भवरकुआ में पहले ही कार्रवाई की गई थी और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सचिन जुड़ चुके हैं इंदौर से। सचिन, नगर निगम ने एक्शन लिया है, किस तरह से ये तोड़फोड़ की गई है, क्या अपडेट है और अतिक्रमण को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये भौरपुर क्षेत्र की घटना है पूरी और यहाँ पे पिछले दिनों भी भौरपुर क्षेत्र में नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा बड़े होस्टल पर कार्रवाई की गई थी और उसके बाद आज फिर यह कार्रवाई की गई है क्योंकि इस क्षेत्र में पूरे होस्टल ज्यादा हैं और होस्टलों का निर्माण अवैध रूप से ज्यादा कर लिया गया है। उसके बाद से लेकर लगातार नगर निगम और जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और आज इसमें एक और इसमें कार्रवाई की गई है वार्ड 74 में। और उसके बाद अभी पिछले दिनों की बात करें तो करीब 6 से 7 होस्टलों को नोटिस भी दिए गए थे और वहां पे बाकायदा बैनर चस्पा कर दिए गए थे प्रशासन के द्वारा कि यह अवैध निर्माण किया गया है। उसके बाद जांच उपरांत आज एक और होस्टल पे कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, और बड़ा सवाल यह है कि देखिए सचिन, यहाँ पर नोटिस देने के बाद भी उसके बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, खाली नहीं कराया गया और अभी ये जो एक्शन लिया है कौन से इलाके में लिया गया है और क्या अभी और भी इसी तरह की नगर निगम की ओर से कार्रवाई देखने को मिल सकती है जो अतिक्रमण लगातार किए हुए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कोई पहली ऐसी कार्रवाई नहीं है, इसके पहले भी कार्रवाई की गई है यहीं पे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो जाता है, पूरा G+4, G+3 तक की बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद नगर निगम जागता है क्योंकि आस पड़ोस के रहवासी वहाँ पे शिकायत करते हैं। ये भौरकुआ स्थित हर गोविंद नगर की है, जो 3 मंजिला हॉस्टल जो पूरे तरीके से बन के तैयार हो गया था और उसके बाद SDM और भवन अधिकारियों के नेतृत्व में आज पूरा इसके ऊपर कार्रवाई की गई है जिसमें 3 पोकलेन मशीनें लगाई गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 3 मंजिला भवन बन गया तो कैसे बन गया, क्योंकि क्या भवन अधिकारी क्या कर रहे थे, जो इंचार्ज है नगर निगम के वो क्या कर रहे थे? जब ये सब चीजें हो जाती है उसके बाद पड़ोस वाले शिकायत करते हैं, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और ऐसे ही करीब 5 से 6 होस्टल और है भौरकुआ क्षेत्र में जिनको नोटिस दिए गए हैं जो निर्माणाधीन है अभी भी। और उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये होता है क्योंकि वो इंदौर एक स्टूडेंट हब बन चुका है और भौरकुआ क्षेत्र वहाँ पे कई भारी तादाद में स्टूडेंट आके रहे हुए हैं, तो कई जो मकान मालिक हैं उन्होंने ऐसा कर दिया है वहाँ पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सचिन देखिए कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जब ये 3 मंजिला